असलकम एवरी वन होप सो यू आल विल बी डूइंग वेल सो आज जो है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थ्री देखेंगे जैसे कि हमने पहले uh, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो लेक्चर दिया उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके सेल्स गलवैनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसनट्रेशन सेल फ्यूल सेल इनको डिटेल से देखा दूसरे लेक्चर में हमने जो है कंडक्टेंस uh, ये मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें यूज होने वाली टर्म्स लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ये सब और रूल्स असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिफरेंस बिटवीन एलेक्ट्रोलिटी कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर ये स्टडी कर लिया सो so, आज जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इसमें आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिफरेंट लाज हैं इलेक्ट्रोलिसिस के वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन सो so फर्स्ट है फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस फराडे साइंटिस्ट है उसने ये लॉ दिया इसको फर्स्ट लॉ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका सेकेंड लॉ भी है वो भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि फ़र्स्ट लॉ क्या है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ध्यान से समझिएगा ओके okay, इसमें आपको सबसे पहले जो गिल्वैनिक सेल वाला लेक्चर है वो आप लोगों ने लिया होगा तो आपको पता होगा कि जो सेल है लाइक ये ये हमारे पास यहाँ पे जो सेल है ये कौन सा सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्यों क्योंकि हमें पता चल रहा है ये एक ही वन कंप्लीट सेल है जिसमें एनोड के केथोड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ है एक कंप्लीट सेल जबकि गलवैनिक सेल में हाफ़ सेल होता था आ, आ, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन और दो जो हैं वो मिलके कंप्लीट सेल बनाते थे और उन दोनों को हमने साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया होता था सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और आ, अब यहाँ पर हमें पता है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम जैसे हमने करंट यहाँ पे सप्लाई किया है जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी जो कैथोड होगा उस पर रिडक्शन होगी और एक इलेक्ट्रोड जो है उस विद पैसेज ऑफ द टाइम उसका जो है मैस वो कम होता जाएगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे और दूसरे की तरफ जो हैं वो मूव करेंगे फ्लो करेंगे और उसका जो है थिकनेस कह लें कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम ज़्यादा होती जाएगी अब इसी पर सारा ये लाभ बेस करता है अब ध्यान से समझिए कि वेट ऑफ ए सब्सटांस डिपोजिटेड और लाइब्रेटिड जित कितना जो सब्सटेंस है उसका वेट जो है डिपॉजिट हुआ है यानी यहाँ से कितने आयंस कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं और यहाँ पे जाके कॉपर को जो है न्यूट्रल करके उसको यहाँ पे प्योर कॉपर को इसके ऊपर डिपॉजिट किया है कितना वेट जो है कॉपर का यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है और लाइब्रेटेड और कितना यहाँ से, से लाइब्रेटेड हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसके क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी कितना करंट हम उसको दे रहे हैं दोबारा से बता रही हूँ कि कितना वेट जो है इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है यानी कितनी इसकी थिकनेस इंक्रीज हुई है कितना वेट इसका कम हुआ है यानी कितनी uh, uh, कितना सब्सटेंस इससे लाइबरेट हुआ है ये डायरेक्टली चीज़ प्रोपोर्शनल करती है कितना करंट हम दे रहे हैं कितना जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्राइडे का फर्स्ट लॉ है बस इसी को अब हम आगे लेके चल रहे हैं कि W है हमारे पास वेट ऑफ ए सब्सटांस Q चार्ज है ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करें तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे हमने क्या लिया है वो कांस्टेंट Z लिया है W इज़ इक्वल टू जी क्यू अब हमें ये भी पता है कि I I यानी करंट इज इक्वल टू Q बाय uh, T होता है यहाँ पे बाय T आना है Q uh, Q बाई टी होता है तो Q जो है वो I T यानी I करंट एंड T टाइम आई टी हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम क्यू की वैल्यू पुट कर दें तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जी आई टी हो जाएगा अब यहाँ पे जी हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ई सी ई और अब यहाँ पर हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि डब्ल्यू जी के इक्वल हो सकता है अगर करंट जो है वो हमारे पास वन एम्पियर हो और हमारे पास टाइम जो है वो वन सेकेंड हो यानी अगर ये दोनों टर्म्स वन हो जाएंगी तो वन मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल टू जी तो यानी वेट ऑफ ए सबस्टांस जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा अब यहां पर भी यही लाइंस लिखी गई हैं कि जी Z is the mass of a substance. Z substance का mass substance का weight हो सकता है जो deposit कितना deposit हुआ है कितना liberate हुआ है substance उसका mass उसका weight हो सकता है when the current of one ampere passed for one second जब एक ampere current एक second time एक second के लिए pass किया करवाया जाए एक ampere current pass करवाया जाए तो जो Z और W है यानी जो electrochemical equivalent है वो W यानी mass of a substance जितना deposit पॉजिटिव हुआ है जितना लाइब्रेट हुआ है उसके इक्वल होगा z का फार्मूला हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट ओवर फैराडे इक्विवेलेंट वेट का है मॉलिक्यूलर वेट ओवर x अब यहाँ पर x क्या होता है x है वेलेंसी फैक्टर वैलेंसी फैक्टर लाइक जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी में कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोलैरिटी मल्टीप्लाईड बाय हमारे पास होती है Uh, uh, कोई भी चीज़ है एसिड uh, uh, में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और बेस uh, में नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल आयोनाइेबल हाइड्रोक्साइड आयन तो यहाँ पे विलेंसी फैक्टर यहाँ एसिड के केस में नंबर ऑफ़ आयोनाइजेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइन्स हो सकते हैं बेस के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं इसके अलावा जो है कितना जो है uh, किसी भी आइटम uh, पे चार्ज है उसकी ऑक्सीडेशन uh, स्टेट उसकी विलेंसी लाइक कॉपर पे प्लस टू है ये एक्स हो सकता है इन तीनों में से कोई भी तो यानी अगर मोलर तो वेट यहाँ पे कौपर है डिवाइडेड टू पॉजिटिव तो ये निकालेंगे तो एक वेट निकल आएगा और फराडे जो है वो नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो फराडे बेसिकली होता है, होता है चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है um, मतलब एक एक मोल इलेक्ट्रॉन आप उठा लो अपने पाम में यूँ कह लो कि एक आप लोगों ने आपने ले ली है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उस मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो फ्राडे है वन फ्राडे और वो इक्वल होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलम के और ये बात आपने याद रखनी है एम पूछ लिया जाता है कि एक फ्राडे जो होता है ना एक फ्राडे वो वन ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करता है ये था हमारा फ्राइडे का फर्स्ट ला समराइज करें इसको तो यही कि कितना वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है यानी एक चीज़ एक इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ रही है ना तो उसके ऊपर यानी कोई ना कोई जहरी बात है चीज़ डिपॉजिट हो रही है जो कि दूसरे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में जो डेफिशियट्स स्पीशी है वो लेके यहाँ पे डिपॉजिट डिस्चार्ज होती जा रही है तो कितनी एक इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ रही है और कितनी एक ही कम हो रही है ये उस चार्ज पर डिपेंड करता है जो हम सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना सेल में तो इसका मतलब यही है चार्ज सप्लाई किया जाता है तो जो चार्ज किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना वेट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है या लाइब्रेट हो रहा है ओके यहाँ पे लाइब्रेट जो है ना यहाँ पे एक और बात याद रखी लाइब्रेट इन टर्म्स ऑफ बाय प्रोडक्ट भी आता है लाइक हमने जो है लेक्चर में नेल्सन सेल डाउन सेल की बात की थी जिसमें क्लोरीन गैस जो है और हाइड्रोजन गैस है वो लाइब्रेट होती हैं तो वो बाई प्रोडक्ट्स भी कितनी उनकी लिब्रेशन हो रही है वो कितनी लिब्रेट हो रही है, ये भी इसी चार्ज पे डिपेंड करता है या उनकी लिब्रेशन की बात कर लें या इसकी थिकनेस कितनी कम हो रही है इस इसको भी लिब्रेशन की कैटेगराइज uh, में ले लें दोनों चीज़ों को ले लें तो वो सेम ही है कि ये लिब्रेशन जो है वो चार्ज पे ही डिपेंड करेगी कि कितना चार्ज हम आउटसाइड से उसको दे रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिर आडे सेकेंड ला ऑफ इलेक्ट्रोल सेम एज सच है बस इसमें क्या है सपोज़ हम दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं अब ये इसको देख के आप यूं मत कहिएगा कि ये गिलवैनिक सेल है गलवैनिक सेल ये नहीं है यहाँ पर आ, ये हमारे पास एक कम्प्लीट सेल है और ये हमारे पास एक और कंप्लीट सेल है जिस इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट अपना है कैथोड केथर्ड uh, अपना है एनोड अपना है इसमें भी इनोड केथोर्ड uh, है ये ये एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट है अब हमने इनको आपस में अटैच कर दिया है आउटसाइड बैटरी यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं ये प्लग की यानी स्विच की यू कैन से ओके अब वो कह रहे हैं कि जैसे स्विच हम ऑन करते हैं यहाँ से सप्लाई uh, होना शुरू हो जाता है चार्ज तो क्या होता है कि ये दो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं तो अब होता क्या है अब हम यहाँ से पढ़ते हैं थेरी क्या लिखी है कि व्हेन द सेम क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दि सोल्यूशन अब बैटरी दोनों के साथ एक है तो जाहिर बात है अगर ये दोनों डिफरेंट भी इलेक्ट्रोड्स हैं इलेक्ट्रोलाइट इसका और है इसमें भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है लेकिन क्वान्टिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की पास सप्लाई की जा रही है दोनों में वो सेम है तो वो कह रहे हैं कि जब सेम क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी एलेक्ट्र... की पास की जाए सॉल्यूशन में से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में से कनेक्टेड इन सीरीज जो एक इस तरह सीरीज में कनेक्ट हैं देन क्या होगा वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट ये सेम वही चीज़ है बस यहाँ पर दो चीज़ें ले ली गई हैं तो यहाँ पर भी जो वेट सब्सटेंस का जितना डिपॉजिट हो रहा है एक पे जितना दूसरे से लिब्रेट हो रहा है इसी तरह इस केस में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के जो अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट के ओके तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी बस यहाँ पे दो चीज़ों के लेके ले कंपेयर करके भी बता दिया है कि अगर एक है तब भी वेट ऑफ ए सब्सटेंस फर्स्ट लॉ में एक है तब भी वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिब्रेटेड वो किसके इक्वल हो रहा है डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल है जो भी इक्विवेलेंट वेट है uh, उस uh, जो भी इक्विवेलेंट वेट है या, आ, हमारे पास जो है उसमें जो आयंस हैं उनका और यहाँ पर भी जो है अगर दो ले लिए हैं तब भी अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी उनमें सप्लाई कर रहे हैं तब भी जो है उनका ये नहीं है कि दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो दोनों एक जैसा ही करेंगे लाइब्रेट उनमें जो है और जो डिपोजिशन है वो एक जैसी होगी ऐसा नहीं होगा उनकी लिब्रेशन और डिपोजिशन भी जो हम जो उनका इक्विवेलेंट वेट है उस पर डिपेंड करेगी ना कि चार्ज पे वहाँ पे क्या हो रहा था चार्ज पे डिपेंड कर रही थी ना चार्ज अब यहाँ पे सेम कर दिया है चार्ज सेम कर दिया है तो यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी किस पे डिपेंड करेगी उनके इक्विवेलेंट वेट पे ही डिपेंड करेगी कि कितना जो है वो लिबरेट हुआ है सबस्टांस और कितना डिपॉजिट हुआ है तो ये डब्ल्यू वन ओवर डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जी वन ओवर तो जी टू ये हमारे पास वेट है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है और अगर हम दोनों को सम अप यानी दोनों का डिफरेंस करें तो फिर ये एक बार दोबारा से तो ये है कि फर्स्ट ला में जो जितना जो सब्सटेंस वेट जो है सब्सटेंस का डिपॉजिट और लिबरेट हुआ है वो जितना हम चार्ज सप्लाई करें उस पर डिपेंड करता है ओके और सेकंड ला को अगर हम करें तो जित अगर दो सेल ले कर हम अप्लाई कर रहे हैं करंट दे रहे हैं तो वहाँ पर करंट पर डिपेंड नहीं करेगा वहाँ पर कितना वेट सब्सटांस का डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा ओके ये थे हमारे पास फ्राडे के ला अब रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस अब हमारे पास एक आरहेनियस थेरी है इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन की इसके पास्टूलेट्स हैं इसने एज सच जो है एक पॉइंट कह के कोई फार्मूला जो है नहीं उसको कंक्लूड किया था इसने कुछ पा, पास्टूलेट्स दिए थे कि अलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या होता है ओके okay. आर ने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वाटर ब्रेक्स अप इनटू टू एंड इन एनाइंस कॉल्ड आयनाइजेशन पता है कि जब भी कोई भी है हमने उसको डिजोल्व कर दिया है एक्वस सॉल्यूशन बना दिया तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि वो अपने कैटाइंस में अपने एनायंस में ब्रेकअप हो जाएगा यानी उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी दूसरा पास था दीज आइंस कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द सल्यूशन ये आइंस जो हैं उनको ये इतना हक होगा उनका उनका ये कह लें कि उतनी उनको आज़ादी हासिल होगी कि वो फ्रीली मूव करेंगे सोल्यूशन में द सोल्यूशन एज अ होल विल बी न्यूट्रल होल सोल्यूशन न्यूट्रल होगा मीन्स जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल बी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आइंस अब जो करंट है जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से हो रही है उन्हीं आइंस की वजह से ये जो आइंस सबसे पहले प्रोड्यूस हुए हैं जिनको माइग्रेशन करने की आज़ादी हासिल है उन्हीं की माइग्रेशन की वजह से क्या होगी कंडक्शन होगी द प्रोसेस ऑफ आइनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट रिवर्सिबल और इक्विलीब्रियम इस्टैब्लिश हो जाएगा याद रखें इक्विलीब्रियम इस्टैब्लिश तब होता है जैसे हमने के एस पी यानी सोलोबिलिटी प्रोडक्ट जो हमने फाइंड uh, किया था वो भी हमने कहा था कि के के जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है सोलोबिलिटी प्रोडक्ट तो हमने कहा था कि वो सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सार्स के लिए ही हम करते हैं कंप्लीट सोलियुबल सार्ड्स के लिए नहीं कर सकते क्योंकि जो स्पेरिंगली चीज़ होती है और ये यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ओस्ट वर्ल्ड में हमने वीक एसिड्स की बात की थी वीक इन सबको अगर सम अप करके देखें तो जो वीक चीज़ें होती हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है क्यों क्योंकि जितना न, 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 वो वीक ठीक है ना तो थोड़ा बहुत जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है और बा, बाद में थोड़ा अपनी एस सच जो है सॉलिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी रह रहा है तो जितना वो प्रोडक्ट दे रहा है वापस से वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है तो यहाँ यूं एक इक्वलीब्रियम एक, इस्टेब्लिश हो जाता है उनके दरमियान लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है वहां पर इक्विलीब्रियम नहीं आता तो ये प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिवर्सिबल होता है और आ, मतलब जितने आइन्स बन रहे हैं उतने फिर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वापस आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में हो जाता है सॉरी ओके नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आयोनाइज अब कितनी आयोनाइजेशन किस हद तक हुई है उसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने डिसोसिएट हुए हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर डिवाइडेड बाय कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हमारे पास होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये हमारे पास थी आरहेनियस की थ्योरी उसने ये पॉइंट्स बताए थे आरहेनियस साइंटिस्ट था जिसने ये दी थी आगे ओस्ट वर्ल्ड्स डाइलूशन ला है कि डायलू ये हमें रिलेशनशिप बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम ए अल्फा थोड़ा सा इसको ए को हम आ, लिखते हैं यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एंड कंसनट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट इन तीनों चीज़ों का रिलेशन बताता है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है हमें पता है जो कंप्लीटली नहीं हो पाता आयनाइजेशन जिसमें से अब यूं भी कह ले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके जो अपने आयंस में कन्वर्ट हो वीक वो जिसमें कम पास कर सके जो अपने आयंस में पूरा कन्वर्ट ना हो तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जाहिर बात है वो डिसोसिएशन पूरी नहीं करता तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बहुत लो होती है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने अभी पढ़ा हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से तो यानी ए ये वन से बहुत बहुत कम होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है के इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है हमने हमें पता है के डिसोसिएशन कांस्टेंट है सी कंसंट्रेशन है ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अगर ए की वैल्यू करें फाइंड तो ये रीअरेंज हो जाएगा ऊपर अंडर रूट आ जाएगा ओके okay. यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द केयर रूट ऑफ़ कंसेंट्रेशन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि जब यहाँ पर ए इस साइड पे रहेगा तो ये के ऊपर नॉमिनेटर में आएगा और सी डी नॉमिनेटर में जाएगा ओके तो ये करेक्शन कर लीजिएगा तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वी इलेक्ट्रोलाइट क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके कंसेंट्रेशन ऑफ यानी सी के सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा जब फार्मूला ठीक करके लिखेंगे तो सी किस में जाएगा डी नॉमिनेटर में जाएगा और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को गुड इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करवाना है ठीक है हम चाह रहे हैं कि फुली डिसोसिएशन करें तो हम उसके डाइल्यूट करेंगे और इन्फिनट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया है और उस सॉल् उसके बाद एक उस पॉइंट के बाद मजीद सॉलवेंट ऐड करेंगे तो उसकी कंसनट्रेशन पर सल्यूशन के कोई इफेक्ट नहीं होगा ये होती है इन्फिनिट डाइल्यूशन तो जब हम इन्फिनिट डाइल्यूशन कर लेंगे तो तब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीट आयनाइजेशन कम्प्लीट डिसोसिएशन शो कर सकता है अब हमारे पास नेक्स्ट आता रूल ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइंस। इसको भी इलेक्ट्रोलिस भी इसको ध्यान से देखिएगा हिट्रॉफ साइंटिस्ट है जिसने स्टडी किया की थी कंसेंट्रेशन चेंजेस अराउंड इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स हमारे पास क्या होते हैं कैथोड एंड एनोड उसने देखा कि कैथोड और एनोड के दरमियान के इर्द गिर्द कंसंट्रेशन चेंज होती है ये आयंस की जब हम करंट वेन करंट पास करें इलेक्ट्रोलाइट जब करंट पास कराया जाए ये हिट्रॉफ ने स्टडी किया उसी की बेस पर यह पूरा रूल बना अब है क्या हमारे पास तीन जो है हम आ, उसको डिवाइड कर लेते हैं एक ये हमारे पास बीकर है उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ये हमारे पास कैथोड है ये हमारे पास, पास एनोड है और उसको हमने डिवाइड कर दिया है कि जो एनोड के पास कंपार्टमेंट है उसको एनोडिक कंपार्टमेंट कहा जाता है जो कैथोड के पास कंपार्टमेंट है उसको कैथोडिक कंपार्टमेंट ओफ उसको कैथोडिक कंपार्टमेंट कहा जाता है और जो मिडल में रह जाता है उसको मिडल या सेंट्रल कंपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है ओके अब पहले इसको समझ लें बाद में थेरी की तरफ आते हैं कि अब होता क्या है अब हमारे पास ना तीन कंडीशंस हैं जैसे कि यहाँ पे तीन दी हुई हैं तीन कंडीशन है पहले तो वो ऐसा सच अपनी सारे आयन्स अपनी पोजीशन में है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर भी मिडल में भी एनोडिक में भी कैथोडिक में भी सारे न्यूट्रल हैं और जितने जितने आइन्स हैं उतने 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 के टाइम्स हैं अब यहाँ पर भी वैसे एस सच ही इसको लिख लिखा जाता है मतलब जिस तरह ऊपर आइंस हैं इन ब्लॉक्स में भी वैसे ही हैं सपोज करें अब पह, पहली कंडीशन अब हम पढ़ने लगे पहला सबसे पहले कंडीशन पढ़ने से भी पहले आपने ये याद रखना है जो कि टाइम्स की मोबिलिटी यानी जो वो मूव करते हैं वो एनाइन से ज़्यादा है ठीक है ज़्यादा है तो अब फर्स्ट जो कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है कि के, के सिर्फ मूव करते हैं के मूव करते हैं एनाइन मूव ही नहीं करते पहली कंडीशन ठीक है पहला ये इसमें क्या होता है इनाइन पहली कंडीशन में केटाइन मूव करते हैं इनाइन मूव ही नहीं करते अब मुझे बत, आ, बताएं कि के, केटाइन कहाँ मूव करेंगे ऑब्वियसली उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इ, इ, इतने ही सारे केटाइन है तो सपोज करें कि के दो केटाइन जो हैं वो मूव करके कैथोडिक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं पहली कंडीशन बता रही हूँ ठीक है कैथोडिक कंपार्टमेंट में आ जाते हैं ओके कि थोड़ी कंपार्टमेंट में दो आ गए तो यहाँ से अब दो हम अगर रिमूव कर दें यहाँ से दो रिमूव हो जाए तो यहाँ पे दो नेगेटिव अनपेयर्ड रह जाएंगे अलग रह जाएंगे ना मतलब उनका जोड़ा नहीं बनेगा दो उनकी जोड़ेदार जो है वो चले गए ये दो पॉजिटिव जो है वो माइग्रेट कर गए यहाँ पे दो अनाइन रह गए अनपेयर्ड और यहाँ पे दो के टाइन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे यानी दो के टाइन रह जाएंगे अनपेयर्ड तो ये जो हैं ये इधर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे ये इधर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे नेगेटिव जो दो अनपेयर रह गए थे ना वो इधर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे ये इधर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे और यूँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यूँ कह लेकर डिस्चार्ज हो जाएगी डिपोजिशन उनकी हो जाएगी ओके okay? तो किटाइन ने मूव किया कितने दो तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मोबिलिटी थी कैटाइंस की जो ट्रांसपोर्ट नंबर था कितना कैटाइन मूव करके गया है वो दो था कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर भी मैं आगे बताती हूँ क्या है के टाइम का दो था कि मतलब कितने के टाइम ट्रांसपोर्ट हुए हैं अब दूसरी कंडीशन जो है उसमें हम कहेंगे कि जो ए के टाइम दोनों मूव कर रहे हैं दोनों सेम उनकी मोबिलिटी है सेम नंबर्स मूव कर रहे हैं तो लेट्स सपोज यहाँ से तीन ध्यान से समझिएगा दूसरी कंडीशन समझाने लगी हूँ यहाँ से तीन के टाइम्स सपोज जो हैं वो मूव करके गए हैं केथोडिक में तीन के टाइम मूव कर गए अब बेचारे तीन एंड नाइन अकेले रह गए क्योंकि उनका जो पार्टनर्स थे वो मूव कर गए यहाँ पे तीन एंड ना अकेले रह गए यहाँ पे तीन के टाइम एक्स्ट्रा हो गए हैं वो भी अकेले रह गए हैं अब यहाँ से फिर तीन एंड नाइन जब इधर को मूव करके गए तीन एंड नाइन इधर को मूव करके गए तो यहाँ पर जो थे हमारे पास तीन एनाइन पहले ही जो है वो तनहा रह गए थे अकेले रह गए थे क्योंकि उनके तीन के टाइन जो थे वो इधर मूव कर गए थे ओके okay, मैं दोबारा बताती हूँ कि ये कंपार्टमेंट है हमारे पास दूसरा इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास कि अब किटाइन ए दोनों मूव करेंगे दोनों सेम मोबिलिटी से मूव करेंगे सेम नंबर मूव करेंगे अब हमारे पास सपोज़ यहाँ से तीन के मूव करके गए हैं तीन के मूव करके चले गए इधर बेचारे तीन एनाइन रह गए क्या रह गए तीन एनाइन इधर रह गए हैं अब हमारे पास और यहाँ पे तीन के टाइन एक्स्ट्रा हो गए थे अब हमने कहा कि दोनों ने मूव करना है तो यहाँ से अनयन तीन अनाइन मूव करके इधर आए अब तीन अन तो यहाँ पे पहले ही थे पहले ही थे तीन और आ गए छाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए और यहाँ पे तीन के टाइम जो आए थे और तीन एन, आ, के टाइम वो वाले जिनको एनाइन छोड़ के इधर मूव कर गए हैं तो छः के टाइम इधर अनपेड रह गए छ एनाइन इधर अनपेड रह गए और इनकी डिपोजिशन इधर हो गई छः की इनकी छः की इधर हो गई यूँ डिस्चार्ज में आ, इनका छः छः का हो गया और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हुआ कि कितने कितने मूव करके गए थे तीन ही टाइम तीन ही एन तो के टाइम का भी तीन हुआ ए का भी तीन हुआ होप्स so, आपको समझ आ रही है इसको बेस्ट वे समझने का भला क्या है आप लोग इसी डायग्राम को स्केच करें अपने नोटबुक पे और ना जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ये जो कंपार्टमेंट्स मैंने खाली ब्लैंक छोड़े हुए हैं इनमें ड्रॉ करें और जैसे माइग्रेशन का बता रही हूँ उनको माइग्रेट करवाएं आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ओके अब लास्ट केस जो है हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें किटाइन जो है एनाइन एन दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन मोबिलिटी डिफरेंट है नंबर डिफरेंट है यू कैन okay. से दैट के किटाइन दो मूव करेंगे नाइन तीन ओके अब यहाँ से सपोज तीन के टाइन मूव करके इधर गए बेचारे तीन एनाइन तनहा रह गए तीन एनाइन रह गए इधर ओके okay? अब यहाँ पे तीन कटाइन जो थे वो भी तनहा ही रह गए हैं अब यहाँ से दो जो हैं वो सपोज करें दो कटाइन एनाइन मूव करेंगे दो एनाइन मूव करके इधर रह गए तीन ए इधर पहले ही तनहा थे दो और आ गए इधर कितने हो गए पाँच ए ठीक है यहाँ पे तीन कटाइन पहले मूव करके गए थे और दो कटाइन जो बेचारे तनहा रह गए जब दो ए इधर मूव करके गए तो पांच कटाइन ही इधर रह गए दोनों तो पांच पांच इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मोबिलिटी डिफरेंट हो चाहे मोबिलिटी सेम हो चाहे मोबिलिटी एक की हो तीनों कंडीशन में जो डिस्चार्ज होंगे वो और जो अनपेयर्ड होंगे वो वो सेम रहेंगे मतलब जितने एनाइन डिस्चार्ज होंगे उतने ही किटाइन डिस्चार्ज होंगे और जितने अनपेयर्ड एनोडिक कंपार्टमेंट में ए होंगे उतने ही अनपेड के थॉडिक कंपार्टमेंट में किटाइन होंगे मतलब ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि मोबिलिटी कौन है किसकी ज़्यादा है किसकी है ही नहीं ओके okay. तो ये आपको होप्स ओ हिट्रॉफ रूल समझ आ गया है फिर ही हम नेक्स्ट चलेंगे लास्ट वाला दोबारा से बता देती हूँ कि अब हमारे पास किटाइन ए नाइन ने ना डिफरेंट मूव करना है ठीक है यहाँ से तीन कटाइन मूव करके गए तीन ए नाइन तनहा रह गए अब यहाँ पर क्या है तीन ए है और यहाँ पे तीन के टाइम जो एक्स्ट्रा है वो तो है ही ना मतलब तीन अभी यहाँ पे अनपेयर्ड है तीन यहाँ पे अनपेयर्ड है थर्ड केस बता रही हूं अब यहाँ से मैंने कहा था दोनों मूव तो करेंगे लेकिन डिफरेंट रेट पे इसको तीन कराया इसको हम मैं करा देती हूँ दो दो एन आइन इधर मूव करके गए तीन इधर पहले ही थे बेचारे तनहा दो और आ गए पांच एन आइन तनहा रह गए इधर भी तीन के टाइम थे पहले अब जो दो जो है वो छोड़ के अपने पार्टनर्स को चले गए हैं वो दो भी अंदर ऐड हो गए तो यहाँ पे भी तीन के टाइम रह गए और पांच एन आइन रह गए तो समझ आ गई बेस्ट वे जैसे मैंने बताया ना वैसे ही करें अपनी नोटबुक पे यही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको वैसे वैसे ड्रॉ करके और रब कर, कर करके देखें जिसको समझ आ गई है वो तो वेल एंड गुड जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी अपनी थिंकिंग एबिलिटी होती है वो यूं कर लें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन लॉस ऑफ कंसनट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट अब कितनी कंसनट्रेशन कम ज़्यादा हुई है किटाइन एनायन की अब जाहरी बात है यहां सेटाइन जा रहे हैं तो कटाइन की कंसेंट्रेशन तो कम होगी ना इधर एनोडिक कंपार्टमेंट में कम होंगे आल तो ये मैंने बात पहले कही है कि मोबिलिटी पर इफेक्ट नहीं करता कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जो डिस्चार्ज होते हैं लेकिन कंसेंट्रेशन डिफरेंट होती है सो so, जो लॉस ऑफ कंसनट्रेशन हुआ है चाहे वो एनोडिक में कटाइन का है कैथोडिक में

विजिबल ही नहीं है तो टाइम की मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो मोबिलिटी ऑफ के टाइम्स कितने वो मूव करके गए हैं ओवर मोबिलिटी ऑफ के टाइम्स और ए टोटल मोबिलिटी कितनी थी अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पहले केस में हम देखते हैं कि हमने सिर्फ पहले में सिर्फ दो के टाइम मूव किए थे तो मोबिलिटी ऑफ के टाइम हम क्या लिखेंगे टू और एनाइन और किटाइन की मोबिलिटी अगर हम देखें तो ए तो मूव किए ही नहीं थे और किटाइन की मोबिलिटी क्या थी दो फिर हम यहाँ पे भी टू पुट करेंगे यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे टू बाई टू इज़ इक्वल टू वन यानी ट्रांसपोर्ट नंबर उसका आ गया किटाइन का वन अब हम देखते हैं कि के दूसरे केस में दूसरे केस में किटाइंस के कितने मूव किए थे थ्री तो हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे और फिर कटाइन्स की मोबिलिटी थ्री ही है और एनाइन कितने मूव किए थे एन भी थ्री 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 सिक्स यानी थ्री बाई सिक्स आ जाएगी ट्रांसपोर्ट नंबर इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो हमारे पास कितने आगे आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट नंबर के टाइम के इसी तरीके से हम एनाइंस के फाइन तो ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली ये है ये है और ये जो मैं चीज़ आपको निकाली है कि फ्रैक्शन में निकली है ठीक है वैसे आपको ये लग रहा होगा कि मैं वन बोल रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट नंबर पहले केस में कि वन के टाइम मूव किया।, कि किया है जबकि वन कब किया है ट्रांसपोर्ट नंबर के टाइम्स तो दो मूव किए हैं पहले केस में तो ये जो मैंने वन निकाला है उसकी फ्रैक्शन है कि सो मूव कर रहे हैं तो उसमें से कितनी फ्रैक्शन केटाइन की मूव की है कितनी एनाइन की मूव की है तो ये हम फ्रैक्शन में लेते हैं यानी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर कैरिड बाय द आयन कितने टोटल नंबर में से कितने कटाइन और एनाइन जो हैं सेपरेट सेपरेट अगर हम फाइंड करें तो कितने हैं वो होगा उनका ट्रांसपोर्ट नंबर जिनको समझ आ गई है वेल एंड गुड जिनको नहीं आए वो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से ही चीज़ समझ लें आगे नेक्स्ट हमारा है कोहलराज क्लाउफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ये इसकी इक्वेशन है ये हमें कहता क्या है कि एट डेल्यूशन जो है ईच आइन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द इक्वेबल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डेल्यूट कर देते हैं वही ना बात वीक स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोलाइट्स के आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की डल्यूशन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि होती क्यों है होती बेसिकली इसलिए है कि क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें पहले से ही वो नहीं है आयंस हाँ डिसोसिएशन नहीं है जब हम उनमें सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तब जाके उनके आइन्स बनना शुरू कर देते हैं हो जाते हैं और जितने आयन्स होंगे फिर जब वो मूव करेंगे उतनी कंडक्टेंस कंडक्शन होगी तो दैट्स वाई डल्यूशन पे उनकी जो है वो कंडक्शन uh, भी इंक्रीज हो जाती है तो डल्यूशन पे जो भी आयन कंट्रीब्यूशन करते हैं कंडक्टेंस पे इलेक्ट्रोलाइट की वो इिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयन उस आयन की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते अपनी नेचर से बाल तर हो के जो है वो करते हैं ये आयन जो है जैसे यहाँ पे ओके okay, इसको समझने के लिए ये देखेंगे ये है हमारे पास लेमडा ई क्यू ये नॉट का मतलब है इन्फिनिट डाइल्यूशन पे ई क्यू है ई क्यू हमारे पास क्या थी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और सेम जो है ऐसे ही फार्मूला होगा मोलर कंडक्टेंस पर का बस यहां पे एम लिख देंगे ओके तो यानी लेमडा ई क्यू यानी डाइल्यूशन किसके इक्वल है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ तो पॉजिटिव जो भी उसमें पॉजिटिव आइन है एट इन्फिनिट डेल्यूशन और एकबलेंट कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन एट इन्फिनिट डेल्यूशन आपको समझ नहीं आए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं जो है कंडक्टेंस ऑफ एन ए सी एल एट इन्फिनिट डेल्यूशन यहाँ पे एन ए सी एल अगर हम लिख दें कंडक्ट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह लें एट इन्फिनिट डेल्यूशन ऑफ एन ए सी एल तो ये किसके हो गए होगी कंडक्टेंस यानी लैम्डा लेमडा फार एन ए पॉजिटिव एट इनि इन्फिनीट प्लस लैमडा फार सी एल नेगेटिव एट इन्फिनिट डेल्यूशन इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट की जो है वो इक्वेशन निकाल सकते हैं और याद रखें जो सॉल्ट की टोटल होगी उसको हम कैपिटल लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इंडिविजुअल होगी उसको स्मॉल लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास है ये ला और ये जो है इर ऑफ द नेचर ऑफ आइन आयन की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा वो अपने नेचर से इ uh, जो है इसको करेंगे और कंडक्शन uh, करेंगे डाइल्यूशन पे तो ये ये आपने याद रखना है इक्विवेलेंट और मोलर दोनों के लिए सेम है इन्फिनिट डाइल्यूशन आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है जब हमारे पास सॉल्वेंट मजीद ऐड करने से कंसंट्रेशन पे इफेक्ट ना हो ओके okay, अब हम कुछ बैटरीज पढ़ने लगे हैं इस बात को याद रखिएगा इस इनको आपने समझने से ज़्यादा मेमोराइज़ करना है ये बैटरीज डिफरेंट तरह की बैटरीज यहाँ पर बताई गई हैं और उनमें आपने जो मेजर चीज़ जो याद करने वाली होनी है वो कि हर बैटरी में कैथोड क्या है हर बैटरी में एनोड क्या है हर बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या है ओके okay? सबसे पहले बैटरीज प्राइमरी सेल यानी प्राइमरी बैटरी भी हो सकती हैं सेकेंडरी भी हो सकती हैं प्राइमरी जिनको हम रिचार्ज नहीं करते और सेकेंडरी जिनको रिचार्ज करते हैं प्राइमरी में एग्जांपल आती हैं ड्राई सेल अल्किलाइन बैटरी मर्की एजी बैटरीज सेकेंडरी में आती हैं लेड एसिड बैटरी निकल कैडमियम बैटरी फ्यूल सेल उसके बाद आता है लेड एक्यूमुलेटर और लेड एसिड बैटरी अब ये पहली आ गई है ओके इसमें लार्ज पावर टू वेट रेशो मतलब बहुत ज़्यादा हाई है आ, कोस्ट uh, जो है वो लो है और वहीकल्स में यूज होती है ओके सेकेंडरी बैटरी है मतलब रिचार्ज कर सकते हैं पासिंग दी डायरेक्ट करंट करंट पास करके अब इसमें के थोर्ड जो है वो लेड ऑक्साइड है एनोड भी लेड ही है मेटालिक लेड आगे आप पढ़ेंगे भी कि जो जो है होता है वो पाउडर्ड लेड होता है के थोड जो होता है uh, कि थर्ड पाउडर्ड लेड होता है नोट स्पोंजी लेड होता है मतलब इसमें लेड एक्यूमुलेटर बैटरी में अपने याद रखना है कि थर्ड एनोड दोनों ही लेड हैं, के एक ऑक्साइड है और एनोड मेटालिक लेड है इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है 3.2 पॉइंट टू मोलर एच टू ओ फोर सोल्यूशन होती है थर्टी परसेंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि वही जो हम पढ़ते हैं वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वेट एक्सेट्रा तो उसके लिए डेंसिटी की अगर रिक्वायरमेंट है तो इसकी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है वन सेल प्रोवाइड्स इसका एक सेल टू वोल्ट करता है और थ्री कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो ट्वेल्व वोल्ट हो जाएगी वन सेल टू प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे सिक्स कनेक्ट करेंगे यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा सिक्स कनेक्ट करेंगे, करेंगे सीरीज़ में तो ट्वेल्व वोल्ट आएगा ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी इनफ होती है जो यूपीएस ये कार्ड्स वगैरह में यूज़ होती है अब बाय डिस्चार्जिंग एनर्जी रिलीज होती है जबकि जो एसिड है यानी एच टू एस फोर एसिड था उसमें से एच पॉजिटिव और लेड साइड में से ओ टू नेगेटिव ये कंबाइन होते हैं और वाटर बनाते हैं डिस्चार्जिंग में फिर डिस्चार्जिंग भी होती है और रिचार्जिंग भी होती है रिचार्जिंग में दोबारा से वापस वाटर सप्लीट हो जाता है यही प्रोसेस जो है चलता है कन्वर्सली ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी एक्टेज हाँ चार्जिंग में फिर वाटर सप्लीट हो जाता है वही बात है डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग का कुछ बताया है डिटेल से हमें हमने कहा था कि लेड ऑक्सीडाइज होता है पी टू पॉजिटिव मतलब ये लेड एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन एनोड एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है पी यानी पी सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पी टू पॉजिटिव बनता है फिर वो पी बी टू पॉजिटिव है साइमल्टेनियसली एस टू नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके पी बी फॉर्मेशन कर लेता है फिर के थर्ड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो पी जो है वो एक्सेप्ट करता है एंड एच पॉजिटिव और वाटर प्रोड्यूस होता है कैसे पी बी टू पॉजिटिव पी बी ओ टू एक्सेप्ट टू प्रोड्यूस क्या बनाते हैं एच टू ओ वाटर पी बी टू पॉजिटिव एंड पी बी एस ओ फोर पी बी ओ टू रिएक्ट किया फोर एच पॉजिटिव के साथ तो एस ओ फो टू नेगेटिव के साथ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए पी बी एस ओ फोर और वाटर बन गया बहुत ही इलेक्ट्रॉन दर कंप्लीटली कन्वर्टेड कवर्ड विद पी बी एस ओ फोर इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे आएगा जो जब वो कंप्लीटली कवर हो जाते हैं पी फोर के साथ तो, आ, आ, सेल विल सी एस टू डिस्चार्ज फिर मजीद जो है वो नहीं होता प्रोसेस डिस्चार्जिंग का और uh, एनोड यहाँ पर यह कह रही थी कि दोनों चीज़ें लेड है एनोड uh, जो है हमने कहा था मेटालिक लेड स्पोंजी टाइप है और क्या थर्ड में पी बी ओ टू होता है पाउडर्ड लेड फाइबर ग्लास शीट जो है वो प्रिवेंट करती हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट से अब डिस्चार्जिंग है नेक्स्ट रिचार्जिंग रीचार्जिंग है, दोनों इन रिवर्सीबल मतलब एक बाइस वर्सा है प्रोसेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो है वो हमारे पास एसिड की कंसनट्रेशन फॉल हो जाती है यानी उसकी डेंसिटी हम पढ़ के आए हैं एच टू एस ओ फोर की वन पॉइंट टू फाइव होती है तो डेंसिटी कम हो जाती है होती है देखिए यहाँ पे बड़ा था ना वन पॉइंट टू फाइव होती है यहाँ कनेक्टेड टू डायरेक्ट करंट फिर जब डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करें चार्ज करें रिचार्ज करें तो फिर से इंक्रीज हो जाती है तो ये फिनमोना चलता रहता है यहाँ पे फिर उसके इन्वर्स रिएक्शन होता है पी बी एस ओ फोर जो है दो इलेक्ट्रॉन पी ए पी बी और एसओ फो टू तो नेगेटिव में कन्वर्ट हुए और यहाँ पर भी पी बी एस ओ फोर जो है वो टू एच uh, के साथ रिएक्ट करेगा और पी बी ओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव और सल्फेट आइन ओ टू इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे नेक्स्ट yeah. है हमारे पास अल्कलाइन बैटरी इसमें ये भी प्राइमरी बैटरी है मतलब कैन नॉट बी रीचार्ज इसमें पोरस जिंक जो होता है वो एनोड है और एम एन नो टू के थर्ड है इलेक्ट्रोलाइट है के ओ एच और वोल्टेज जो है सेल के लिए वो वन पॉइंट फाइव वोल्ट ये आप लोग टेबल भी बना सकते हो इसको ऐसा एच याद रखना है कंपेयर्ड विद जिंक बैटरी जेड एन सी एल टू टाइप्स अल्कलाइन बैटरी ये वाली जो है मोर करंट प्रोवाइड करती हैं लॉन्गर लाइफ होती हैं उनके मतलब आ, आ, ये नो no डाउट के दूसरी बैटरी से कंपेयर करें वोल्टेज सेम होती हैं लेकिन लॉन्गर लाइफ होती हैं मतलब ज़्यादा देर तक टी रहने वाली ख़राब ना होने वाली सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है इसमें जिंक के नोड है सिल्वर ऑक्साइड के थर्ड है जैसे कि सिल्वर ऑक्साइड नाम से ही तो सिल्वर ऑक्साइड के थर्ड होगा अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है लाइक के ओ एच भी हो सकता है एन एच भी हो सकता है जिंक इज ऑक्सीडाइज हो जाता है जेड एन टू में एट के थोड ए जी जो है वो ए जी में होता है रादर एक्सपेंसिव है लेकिन स्मॉल इन साइज होती है लास्ट वन है निकल कैडमियम सेल इट इज़ रिचार्जेबल बैटरी यानी ये कौन सी बैटरी होगी सेकेंडरी बैटरी मेटालिक कैडमियम एनोड के तौर पे एक्ट करता है नई ओ टू के थॉर्ड के तौर पे एक्ट करता है अब ये सारे रिएक्ट करके ये हमारे पास इक्वेन हैडमियम कैड, uh, uh, ओ एच्वाइस और ए ओ एच वाइस फॉर्मेशन हो जाती है सॉलिड प्रोडक्ट्स एड इलेक्ट्रोड्स uh, के साथ वो uh, चिपक जाते हैं सॉलिड प्रोडक्ट्स फिर जब रिचार्जिंग होती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है कोई भी गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती रिचार्जिंग या फिर चार्जिंग के दौरान तो बैटरी कैन बी सील्ड लाइट वेट होती है वोल्टेज वन पॉइंट फोर वोल्ट होता है नेक्स्ट जर्नॉली uh, जल्दी जल्दी देख लेते हैं लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो गया वट इज़ दॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वाइटामिन के total volume of blood in a normal adult human body is 5 to 6 liters red blood cell corpuscles are formed in the bone marrow how many bones are there in adult human beings we know that 206 and the pancreas secretes insulin tbi is a bone found in the leg the largest part of the human brain is the cerebrum what is the main component of bones and teeth calcium phosphate the main constituent of human hemoglobin, hemoglobin is iron सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक होप सो आपको अच्छे से समझ आगे हो गया फिर भी कोई भी क्वेरीज कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आंस इन दी कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच